अस्सलामुअलैकुम। मैं एक छोटी सी राइड पे निकला हूँ, काफ़ी दिनों बाद बाइक निकाली है। भगाने का दिल नहीं चाह रहा था, बस एक प्लेजेंट सी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने वाली राइड का दिल चाह रहा है। तो जी हम कर रहे हैं वो। मेरा शेडो दिख रहा है? अभी दिखेगा, जब ये लाइट गुजरेगी ना तो मेरा शेडो दिखेगा। यहाँ से अच्छा लगता है, ये देखिए अच्छी की। यार ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कंफर्टेबल बाइक होती हैं, ये जो कैटेगरी है स्ट्रीट फाइटर बाइक्स की, स्ट्रीट नेकेड बाइक्स की। मतलब आप इन पे देखें, अभी मैं जिस तरह एक नॉर्मल सी स्पीड पे क्रूजिंग कर रहा हूँ, ये उसके लिए भी मुनासिब है। थोड़ा अगर आपको तेज़ चलाने का दिल चाहे, थोड़ा एड्रेनलिन रश लेने का दिल चाहे, तो वो भी ये प्रोवाइड कर सकती है आपको। और छोटी मोटी टूरिंग अगर आपकी हो ऑन रोड, हल्की फुल्की सी ऑफ रोड भी कर लेगी, मैंने की है इस पर। बाकी ऑन रोड तो कोई मसला ही नहीं है, आप जहाँ भी लेके चले जाएँ। इसमें अच्छा सीधा बैठा हुआ होता हूँ, स्ट्रेट, ये इसका एक फ़ायदा है बहुत। और एक जो मैंने नई चीज़ सीख ली थी वो भी मुझे बहुत फ़ायदा दे रही है कि मैं अब हैंडल्स पे इतना प्रेशर नहीं देता। तो एक जो राइड थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती थी वो भी नहीं होती, काफ़ी मज़ेदार अच्छा सा। बाकी हैवी तो है ही, तो जो एक हैवी बाइक का शौक होता है वो पूरा हो जाता है इस पर, जब आप ये हैंडल करते हो ना, आपको समझ जब अभी हैंडल करते हो ना आपको समझ आ जाती है कि यार सही है, अच्छी खासी हैवी है। और मुझे लगता है कि ये बाइक चलाने के बाद मैं अब कोई सी भी बाइक हैंडल कर सकता हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया ये बाइक चलाने के बाद। एक तो ये जो पैरों की सिचुएशन होती है इसकी वजह से, प्लस इसका वेट जो मैं जिस तरह से मैनेज करता हूँ आगे पीछे करने में और चलाने में, तो मुझे लगता है मैं संभाल सकता हूँ, कम से कम सीधे साफ़ सुथरे रोड्स पे तो संभाल ही सकता हूँ। हाँ ऑफ रोड वगैरह पे शायद बड़ी बाइक नहीं संभाल सकूँगा, लेकिन जो सीधे रोड होते हैं और जो इस तरह टर्न्स लेना है, अंधेरा ही अंधेरा है, फायदा नहीं है कोई। अच्छा अब देखना है जिस तरह इसको टर्न करना है। तो जी ये थोड़ा सा इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये आम बाइक की नस्बत भारी है और आप ये रिस्क नहीं ले सकते इसको ज़्यादा लीन करने का बहुत हल्की स्पीड पे। करता हूँ वीडियो सही बन रही होगी और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी ऑडियो और वीडियो को समझने में। अंधेरा हो रहा है, वीडियो के बारे में कोई इतना ख़ास मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो नहीं, लेकिन ऑडियो की थोड़ी सी उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी। यार वो जो एक्शन कैमरा है ना वो मसले कर रहा है, वो यूज़ नहीं कर पा रहा मैं पूरी कैपेसिटी में। एक चीज़ की जिसकी मुझे कमी ग्रुप राइड्स में महसूस होती है वो है कॉम सिस्टम, जो आपस में आप अपने दूसरे फेलो राइडर्स के साथ कनेक्टेड हो जाओ और आप बात करते हुए चलो, मुझे लगता है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। लेकिन अभी तक है नहीं हमारे पास, और ग्रुप की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही कि मैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर दूँ कॉम सिस्टम पे।
तो इंशाल्लाह जब कोई बड़ी और अच्छी राइड होगी तो उसका भी अरेंजमेंट कर लेंगे, मसला नहीं है, मिल जाता है। इंथूजियास्ट लोग होने चाहिए यार ग्रुप राइड्स में, और मतलब आपकी राइडिंग कम्युनिटी में अच्छा लगता है उनको देख के। अब जिस तरह मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो लोग अपने एसेसरीज़ पे, अपने हेलमेट्स पे बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, और उनको देख के खुशी होती है कि भाई ये अच्छी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, अच्छे हेलमेट परचेज कर रहे हैं, शौक है इन्हें। तो वैसे एंथूजियास्ट लोग अगर आपके इर्द गिर्द हों तो आपको एक तसल्ली मिलती है कि यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, कर रहे हैं, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, देखें सीधी बात है, कुछ भी कह लूँ मैं, ये एक 100% आपकी जॉय के लिए है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। आप बाइक परचेज कर लें, बाइक तो चलें फिर भी कुछ एक अपनी सर्टेन वैल्यू रोक के चली जाएगी, बिक जाएगी, तो आप लॉस कह लें या फिर जो भी आप उसकी एक प्लेजर के आप पैसे कह लें, लेकिन आप बाइक तो फिर भी बचत हो जाती है। हेलमेट थोड़ी बिकते हैं, मतलब बहुत रेयर है कि वो हेलमेट आपका ख़रीद ले। एसेसरीज हैं, बेचने वाले बेच लेते हैं खैर, लेकिन मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बस आप खर्च कर रहे हो, वो जो लियोनार्डो डिकैप्रियो उड़ा रहा होता है ना पैसे, वो वाली चीज़ें, और ये सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे होते। तो ठीक है भाई, ऐसे लोग अगर एक आधा कोई देखने को मिलता रहे आपको वक्तन फवक्तन, तो हौसला होता है कि भाई करना चाहिए, अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए, कमाता क्यों है इंसान, वो वाले सोच रखती है। रात को यार वाकई बड़ा मज़ा आता है, आपने बस मतलब दिन में जो गर्मी होती है, और अब तो हीट वेव वाला सीन भी चल रहा है, शायद आज भी था, बहुत गर्मी थी दिन में, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, ख़ासतौर पे बाइक पे बहुत अच्छी हवा महसूस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक पे तो बहुत अच्छी लग रही है, पत्ते वैसे हिलते हुए दिख तो नहीं रहे मुझे कि ये घर में बैठे बैठे शायद महसूस ना हो, लेकिन बाहर निकलें, वॉक शॉप करें, साइकिल पे बाइक पे निकलें, गाड़ी के शीशे खोल के निकलें, आपको पता चल जाएगा कि मौसम अच्छा है। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।